पे आशीर्वाद यूपीएससी में दूसरा स्थान प्राप्त किया। देखिए हमारे मध्य प्रदेश के लिए थोड़ी शक्ति नीचे, ये गौरव की बात है। यूपीएससी में भोपाल की बिटिया जागृति अवस्थी पूरे देश में सेकंड टॉपर है, और जागृति और उनके पूरे परिवार को बहुत शुभकामनाएं बधाई देते हैं। पूरे प्रदेश को जागृति जी ने गौरवान्वित करने का काम किया है और मैं उनके बहुत उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और बहुत बधाई देता हूं। सर इसके अलावा ODF मुक्त हो गए हैं भोपाल के 14 गांव। जी हाँ, हमारे पूरे प्रदेश में अभियान चल रहा है ODF मुक्त करने का, तो जो भोपाल के 14 गांव हुए हैं वहां के लोगों को बधाई और सरकार का प्रयास। कोई लक्ष्य है मध्य प्रदेश को? पूरे प्रदेश में ODF का अभियान चल रहा है, शहरी क्षेत्रों में भी चल रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी चल रहा है, और अनेक हमारे नगरीय निकाय भी ODF हो चुके हैं और कई ग्राम पंचायतें हमारी प्रदेश में ODF हो चुकी है। तो कोई टारगेट है कब तक पूरा होना है, ऐसा कुछ अभी समय सीमा नहीं? जल्दी से जल्दी करें सर। जागरण जैसी बिटियाओं को आगे लाने के लिए सरकार के क्या प्रयास रहेंगे? देखिए आप सब जानते हैं कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे प्रदेश के बेटियां हों चाहे बेटे हों, उनकी शिक्षा के लिए ये तय किया है कि जो भी मेधावी छात्र छात्राएं हैं उनकी शिक्षा का पूरा खर्च मध्य प्रदेश की सरकार उठाएगी, चाहे वो विदेश में पढ़ें, चाहे देश में पढ़ें, चाहे जो भी IIT करें, IIM करें, UPSC करें, जो भी करें उसका पूरा खर्च मध्य प्रदेश की सरकार उठाएगी। सर आज भी 3000 बच्चियां जो हैं वो लाडली लक्ष्मी योजना से वंचित हैं। अब ये तो इसको देखेंगे, कहीं पर भी वंचित नहीं रहेंगे, योजना में कोई वंचित नहीं है और कहीं का होगा तो देखेंगे। सर कांग्रेस कह रही है कि जहां चुनाव हो रहे हैं वही मुख्यमंत्री जन दर्शन यात्रा कर रहे हैं, क्या उनको अपनी हार की चिंता है क्योंकि कांग्रेस अपनी बढ़त बनाए हुए है? देखिए हम लोग राजनीतिक दल है हमारा, तो राजनीतिक दल ये हमारा धर्म है, और इसलिए मुख्यमंत्री जी अगर जनता के पास जा रहे हैं तो कांग्रेस को तकलीफ क्यों है, वो भी जाएं, हम भी जा रहे हैं, वो भी जाएं, उनको किसने मना किया? सर कमलनाथ ने कहा है कि शिवराज सरकार किसान विरोधी सरकार है, ये तो पूरे प्रदेश को पता है। 28 विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, उसमें तय हो गया था कि कमलनाथ की सरकार किसान विरोधी है कि शिवराज की सरकार, और उसी समय कांग्रेस का सफाया हो गया था और जिस तरह से धोखा किसानों को दिया था वो हम सबको मालूम है। अभी तो मुख्य विषय हमारी जो बिटिया है उसने पूरे प्रदेश को गौरवान्वित करने का काम किया है, आगे भी करेगी, उनके पूरे परिवार को, माता पिता को, परिवार को, और बेटी जागृति को हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से बहुत बधाई है, बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।